पियालिस कोचिंग अब हो गया है लर्नर साहब। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल लर्नर साहब और लेटेस्ट वीडियो एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और ये बिल्कुल मुफ्त है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्नर साहब। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिलेशन का कुछ क्वेश्चन जो रेलवे और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस में आता है। बहुत आसान है, दो तरीके का क्वेश्चन आता है। एक पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन वुमेन ऐसे करके एक क्वेश्चन आता है और दोनों और कुछ लोगों में रिलेशन दिया रहता है तो वो फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए आज मैं इस वीडियो में दो तरीके का रिलेशन डिस्कस करूंगी। तो पहला जो टाइप है उसमें देखिए क्या बोला गया है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पर्सन ए मैन, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे एक फोटो है, फोटो में एक मैन है और एक वुमेन है। ठीक है, बाल बना देती हूँ ऐसे करके, डिंग 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 ऐसे करके बाल बना देती हूँ, डिंग 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 डिंग, और ये मैंने इसका ऐसे ऐसे बाल है। ठीक है, ये मैन है और ये वुमेन है। ठीक है, तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पर्सन, मान लीजिए फोटो में कोई है गुजर गया, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पर्सन इसको पॉइंट कर रहा है, क्या बोल रहा है, हिज मदर, इसका जो माँ है इधर, इसका माँ। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेल है उसको पॉजिटिव से डिनोट करेंगे और जो फीमेल होगा उसको नेगेटिव से डिनोट करेंगे। ठीक है, और अगर ब्रदर हुआ तो दोनों के बीच में कॉमा लगाएंगे, ब्रदर और सिस्टर, एंड वाइफ और हस्बैंड के केस में इक्वल साइन यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे। तो हिज मदर इज द ओनली डॉटर, हिज मदर इसका जो माँ है, नेगेटिव साइन से डिनोट कर रहे हैं, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, मतलब कि जो लड़की है ये इसका जो फादर है, फादर है उसका ओनली डॉटर, एक ही डॉटर है, वो क्या है, इसका मॉम। ठीक है, तो इसका फादर मतलब कि इसका बेटी है, फादर का बेटी कौन है, और ओनली डॉटर बोला गया मतलब कि यही होगा, यही क्या होगा, इसका मॉम, मदर, क्योंकि ओनली डॉटर बोला गया है। तो ओनली डॉटर इस लड़की का फादर एक ही है और फादर का एक ही डॉटर है, तो क्या होगा, जो पर्सन होगा उसके साथ वुमेन इज रिलेटेड टू, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो वुमेन क्या होगा, इस पर्सन का मदर होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट। देखिए सेकंड टाइप का जो रिलेशन आता है उसमें बहुत सारे फैमिली मेंबर्स दिया रहता है, उन लोगों के बीच में रिलेशन फाइंड करना पड़ता है। यहाँ पे क्या बोला गया है, ए इज अ मदर ऑफ बी एंड के, मदर को हम लोग मतलब फीमेल को हम लोग माइनस से फीमेल एंड मेल को प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, और अगर ब्रदर और सिस्टर हुआ तो इन दोनों के बीच में कॉमा लगाएंगे, ब्रदर और सिस्टर, और हस्बैंड और वाइफ हुआ तो इक्वल साइन यूज करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए, ए इज द मदर ऑफ बी एंड के, ये क्या है, मादर है, मादर मतलब माइनस बी एंड के का, ठीक है, मादर है। डी इज द हस्बैंड ऑफ ए, डी क्या है, हस्बैंड है, हस्बैंड मतलब इक्वल साइन यूज करेंगे और प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। ई इज द सॉन ऑफ डीज ब्रदर, डी का कोई एक ब्रदर है, पता नहीं कौन है भाई, ब्रदर मतलब प्लस होगा, पता नहीं कौन है, डी डीज ब्रदर का सॉन कौन है, ई ई, ठीक है ई। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए विथ ई, मतलब ए के साथ ई का रिलेशन क्या है, तो ये तो आसान है, आंट होगा, आंट अंकल, ई का अंकल होता है डी, तो ये क्या होगा, आंटी, तो ऑप्शन ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में मैं दो तरीके का जो रिलेशन आता है एग्जाम में, रेल रेल और एसएससी का जो पेपर आता है उसमें, उसको डिस्कस की हूँ। आने वाले वीडियो में और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करना ना भूलिए। कोई भी सजेशन रहा और कोई भी डाउट रहा वीडियो के रिगार्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और कैसे मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ कंटेंट वगैरह, कैसे कौन से टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। खुद पर हो विश्वास और मन में हो आस्था, फिर कितनी भी आ जाए बाधाएं, मिल जाती है रास्ता।